दोस्तों, अगर आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं और उसी टाइम आपके पास किसी थर्ड पर्सन की कॉल आ जाती है, तो उसको आपका फ़ोन वेटिंग या बिजी बताता है। और यदि वो कॉल आपके घर वालों की है, पापा की, मम्मी की, आपके फ्रेंड या आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की है, तो आपसे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं कि कहाँ बिजी थे और इतने टाइम तक किससे बात कर रहे थे। और दोस्तों, आपके पास उनके सवालों का जवाब भी नहीं होता। दोस्तों, आप इस टाइप की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसका आप यूज कर लेते हैं तो आपका नंबर कभी भी बिजी नहीं बताएगा। आप कितने भी घंटे किसी से भी बात कीजिए, आपका कोई भी पर्सन, थर्ड पर्सन आपको कॉल करता है तो आपका नंबर कभी भी बिजी बताने वाला नहीं है। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को लेते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आपको इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए अपने फ़ोन में कुछ सेटिंग्स इनेबल करनी रहेगी। मैं आपको किसी एप्लीकेशन को यूज़ करने के नहीं बोलूँगा कि आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर लीजिए तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो डायरेक्टली हमें करनी पड़ेगी अपने फ़ोन में कुछ सेटिंग्स को इनेबल। उसके लिए हमें क्या करना रहेगा, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने फ़ोन के डायलर पैड में, जहाँ से हम कॉल को लगाते हैं। तो वहाँ से डायलर पैड को ओपन कर लेते हैं। इसके बाद हमें ये थ्री डॉट का ऑप्शन मिला, इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हमें जाना है सेटिंग पे, और सेटिंग में जाने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ सेटिंग मिलेगी, सप्लीमेंट्री सर्विसेज, इस पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ से सप्लीमेंट्री सर्विसेज ओपन हो गई। यहाँ से हमें जो भी हमारे स्मार्टफोन में दो सिम यूज कर रहे हैं तो दोनों सिम की सेटिंग्स यहाँ शो हो जाएंगी। बट मैं यहाँ पे आपको एक सिम में एक्टिवेट करके दिखाने वाला हूँ इस सेटिंग को। तो आपको हमें सिम वन में दिखाऊंगा। सिम वन में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कॉल वेटिंग। तो ये मोस्टली मोबाइल में ये ऑन रहता है, तो इसको हमें सबसे पहले यहाँ पे हमें इसको ऑफ कर लेना है। इसको ऑफ करने के बाद हमें सेकेंड स्टेप को फॉलो करना है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है वो भी आप देखते रहें। तो सेकंड ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कॉल फॉरवर्डिंग, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, वॉइस कॉल एंड वीडियो कॉल। तो हमें सिंपली वॉइस कॉल पर क्लिक करना है। वॉइस कॉल को क्लिक करने के बाद यहाँ पर चार ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। पहला मिलता है ऑलवेज फॉरवर्ड, मतलब आप अपनी कॉल को फॉरवर्ड, मतलब हमेशा के लिए फॉरवर्ड करना चाहते हैं। या आप दूसरा बोला फॉरवर्ड देन विजी, जब आपका नंबर विजी है तब आप अपनी कॉल को फॉरवर्ड करना चाहते हैं। और बाकी आपके और ऑप्शन मिल जाते हैं, जब आपका नेटवर्क कवरेज छः से बाहर है, अनरीचेबल फोन है, तब आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं। बट हम यहाँ पर करेंगे फॉरवर्ड व्हेन विजी, मतलब जब हम विजी हो तब हमारा नंबर फॉरवर्ड हो। अब यहाँ पे हमें कोई एक ऐसा नंबर डाल देना चाहिए, हमारा कोई पुराना नंबर हो जो हमारा बंद हो, या हम कोई भी फर्जी यहाँ से नंबर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक नंबर डाल देता हूँ जो हमारा बंद नंबर है, कुछ भी डाल देना, 10 डिजिट का नंबर डाल के यहाँ से कर देते हैं इनेबल। और यहाँ से इनेबल करने के बाद हमें होगा क्या, तो ये जब भी मेरा नंबर विजी जाएगा तो हमारी कॉल फॉरवर्ड हो जाएगी इस वाले नंबर पर, और ये नंबर हमेशा के लिए बंद आने वाला। तो आपको इस सेटिंग को करने के बाद आपको ये वाली क्वेश्चन कभी कोई नहीं करेगा कि आप कहाँ भी जीते और इतने टाइम से किस से बात कर रहे थे। आप जी खोल के कितने भी टाइम बात कीजिए, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे कितनी भी बात कीजिए, आपके पास कोई भी कॉल करेगा तो आपका नंबर कभी भी बिजी नहीं आएगा। और बाद में आप उनको रिटर्न कॉल कर लें या आपसे वो पूछे बाद में यही पूछेंगे नंबर क्यों बनता, तो आप बता सकते हैं सिंपली मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था, बंद हो गया था ETC, बट बिजी वाला ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि बिजी वाले टाइम में ही आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग पूछी जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो जरा सी भी पसंद आई है, जरा सी भी हेल्पफुल साबित हुई आपके लिए, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और हमें कमेंट करके बताइए अपनी टैक्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, हम उसका भी सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो देख के जाने खोए हुए स्मार्टफोन को कैसे ढूंढा जाता है। और दोस्तों, यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर संपर्क कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।